बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन, जिसका हाइप पहले से ही सोशल मीडिया पर सातवें आसमान पर था और यह फिल्म इंडियन सिनेमा की अभी तक की सबसे बड़े बजट की एक्शन फिल्म भी बन चुकी, क्योंकि फिल्म का बजट ही लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का। लेकिन फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर आ चुकी जिसके बाद इस फिल्म का हाइप और तेजी पकड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले फिल्म के कुछ नई स्टार कास्ट के बारे में, तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फिल्म सिंघम अगेन को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसके लीड रोल में हमें बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक एक्टर नजर आने वाले हैं। जी इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और यहाँ तक कि अर्जुन कपूर जैसे एक्टर भी नजर आने वाले हैं। लेकिन हाल ही में खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का भी इस फिल्म में कैमियो होने वाला है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सुपरस्टार सलमान खान हमें इस फिल्म में चुलबुल पांडे के कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। और जब से ये खबर आई है, फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पर आग की तरह बढ़ रहा है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म अपने पहले दिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़े बजट की फिल्म है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म अपने लाइफ टाइम में काफी अच्छा कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि फिल्म में ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे जैसे कि बॉलीवुड में आज तक नहीं दिखाए गए हैं। और फिल्म में वैसे ही स्टार कास्ट काफी ज्यादा बड़ी है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि फिल्म के गाने भी काफी दमदार होने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना हमें काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें फिल्म के हाइप के बारे में, तो फिल्म को बुक माई शो पर काफी अच्छे इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, रिलीज के लगभग कई महीने पहले ही फिल्म को बुक माई शो पर लगभग 17,400 इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जबकि फिल्म के रिलीज में अभी भी काफी लंबा समय बाकी। जी हाँ, फिल्म को 15 नवंबर 2024 के दिन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।